स्ववृत्त अर्थात बायोडेटा लेखन। विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, अंदर प्रवेश का अरमान संजोए। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल पाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं, द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए। नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी है। पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे, आज तो मेरे स्ववृत्त आवेदन का उत्तर आ ही गया। अरे, ये क्या? फिर से रिजेक्ट? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? नरेंद्र? हाँ, चाचा जी। भाई, चेहरा क्यों उतरा हुआ तुम्हारा? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ, लेकिन या तो जवाब ही नहीं आता या फिर आता है तो इनकार का पत्र। लगता है अपने भाइयों और रिश्तेदारों को ही चुन लेते होंगे। बेटे, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी उम्मीदवार की खोज रहती है। मगर उनकी समस्या ये है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं तो उनके पास स्ववृत्तों का ढेर लग जाता है, और कई बार तो 5 पदों के लिए 5,000 स्ववृत्त यानी बायोडेटा आ जाते हैं। चाचा जी, इतने आवेदन? हाँ, ऐसे में कंपनी के लिए ये संभव नहीं कि वो हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे। 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवार स्ववृत्त यानी बायोडेटा के आधार पर चुने जाते हैं। यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना कठिन है और साक्षात्कार के बाद तो केवल 10 में से 1 को ही चुना जाना है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए ये जरूरी है कि वो अपना स्ववृत्त यानी बायोडेटा सुंदर और आकर्षक बनाए। जिससे वो कंपनी को आकर्षित कर सके। हाँ, बिल्कुल सही। चाचा जी, क्या आप अच्छा स्ववृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं। मगर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ चाचा जी? चलो भाई, अभी तक तुम्हें इतना तो मालूम हो ही गया कि स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है, जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। वाह चाचा जी वाह, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें, ये तो गागर में सागर वाली बात हुई। हाँ बेटे, स्ववृत्त के 2 पक्ष हैं। वो क्या? पहले पक्ष में वो व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष नियोक्ता। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती ना। इसीलिए स्ववृत्त में वही सूचनाएं डाली जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। जी भाई, कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, उनमें पहली तो ये है कि स्ववृत्त यानी बायोडेटा में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। ये मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है।
गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। मगर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अपनी खूबियां और अच्छाइयां बताने में तुम कंजूसी बरतो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, चाचा जी, स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? देखो, स्ववृत्त यानी बायोडेटा में आलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसीलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नजर में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर उसे जोर न डालना पड़े। ठीक है चाचा जी, लेकिन क्या स्ववृत्त के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम होते हैं? इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि स्ववृत्त ना तो जरूरत से अधिक लंबा हो और ना ही ज्यादा छोटा। हाँ। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक जरूरी चीजें आने से रह जाएंगी। दूसरी ओर यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है। पर चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर तो बता ही सकते हैं ना? बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन, यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्ववृत्त भेजेंगे। जायज है। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। इस स्थिति में स्ववृत्त यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है उसका स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, है ना? मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो। एक और बात, स्ववृत्त यानी बायोडेटा साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती हैं, मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती हैं। नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि स्ववृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है, तो चाचा जी, अब मेरा सवाल है कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए? देखो भाई, व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति परिचय में जन्मतिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहां एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। ठीक है चाचा जी, पर व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए? यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है। जी, लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हैं उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है चाचा जी, मगर कार्येतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है। कार्येतर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती हैं और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। मसलन, यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो ये माना जा सकता है कि उसमें टीम भावना अवश्य ही होगी। जी जी। अगर किसी को भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं तो इससे उसकी वाक्पटुता और संभाषण कला का पता चलता है। यदि तुम्हारी ऐसी कोई गतिविधि या हॉबी हो जो तुम्हारी उम्मीदवारी को सबल बनाते हो तो उनकी चर्चा करना मत भूलना। चाचा जी, मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पर्यटन का भी मुझे शौक है।
क्या मुझे अपने स्ववृत्त में इनकी चर्चा करनी चाहिए थी? क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे? अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती है। अच्छा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाकपटु हों और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो। अच्छा हाँ, स्ववृत्त में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो मगर उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित हों। अच्छा, जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हों जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तो सोने पर सुहागा वाली बात है। मगर चाचा जी, जो उम्मीदवार पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे, पर वो क्या करें जो कॉलेज से तुरंत ही निकले हैं और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से जिनका परिचय ही नहीं है। जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसरों की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी के रूप में कई वर्षों तक नजदीक से देखा परखा होता है। अच्छा चाचा जी, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारियां दी, अब शायद स्ववृत्त की वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा, शायद अगली बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। धन्यवाद चाचा जी। ना, धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा है, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूँ तब तक तुम मुझे अपना एक स्ववृत्त यानी बायोडेटा बनाकर दिखलाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है। जी चाचा जी, मैं अभी गया और अभी आया। चाचा जी ये देखिए। लिख लिया तुमने स्ववृत्त? हाँ चाचा जी। पढ़ के बताओ क्या लिखा सबसे पहले। सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया मैंने यहाँ पर अपना व्यक्ति परिचय लिखा है। मतलब नाम लिखा? हाँ जी जी। और उसके बाद में पिताजी का नाम, ठीक, माँ का नाम, फिर जन्म तिथि। किसकी? अपनी। ठीक है। और वर्तमान पता, फिर स्थाई पता। और उसके बाद घर का टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी भी लिखी है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या लिखा, शैक्षणिक योग्यता लिखी या नहीं? जी बिल्कुल लिखी है। 10वीं कक्षा की लिखी है, फिर 12वीं की लिखी है, फिर BSc की भी लिखी है और आखिरी में MBA की। ये सारी शैक्षणिक योग्यताएं एक सारणी में लिखने के बाद अन्य संबंधित योग्यताएं भी लिखी है जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान और दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी लिखा है। अपनी उपलब्धियां लिखने के बाद मैंने कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां भी लिखी हैं। अच्छा। और अंत में सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो मेरे व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हों उनका भी यहाँ पर गुणगान किया है। मतलब तुमने अपने प्रोफेसर्स का इसमें वर्णन किया है। जी बिल्कुल। और अंत में अपने हस्ताक्षर किए कि नहीं? हाँ जी, ये देखिए नरेंद्र। तिथि और स्थान क्यों नहीं लिखा भाई? ये तो मैं जब आवेदन कर रहा हूँ वही तिथि डाल के दूंगा ना। That's smart, ये अच्छा किया तुमने। हाँ, अब तुम्हारा स्ववृत्त यानी बायोडेटा पूरी तरह से तैयार है। अरे वाह। इसे सुरक्षित रखो, जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। जी चाचा जी। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा हेर फेर या जोड़ घटाव करना मत भूलना। लेकिन नरेंद्र, ये तो आधी ही लड़ाई हुई। आधी? आधी तो अभी बाकी है। चाचा जी, आपका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं तुम्हें कल समझाऊंगा, फिलहाल बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलता हूँ। ठीक है चाचा जी, मुझे आपके आने का इंतजार रहेगा।